के लघु सचिवालय में डीसी विनय प्रताप सिंह के नेतृत्व में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 6 मोबाइल वैन रवाना की गई, जो विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर वीवीपैट एवं ईवीएम के बारे में लोगों को जागरूक करेगी और उन्हें बताया जाएगा कि वोट किस प्रकार डाला जाता है। अतिरिक्त उपायुक्त एवं अतिरिक्त चुनाव अधिकारी अनीश यादव ने बताया कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी तैयारियां संपूर्ण कर ली गई हैं और लोगों को वोट के महत्व के बारे में जागरूक किया जा रहा है। उसी कड़ी में आज विभिन्न हलकों में मोबाइल वैन भेजी गई है, जिनके माध्यम से लोगों को वीवीपैट के बारे में जानकारी दी जाएगी और लोकतंत्र में वोट के महत्व के बारे में भी प्रकाश डाला जाएगा। इन मोबाइल वैनों में ओरिजिनल ईवीएम वीवीपैट मशीनें रखी गई हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से वोट डलवाकर जागरूक किया जाएगा और जो व्यक्ति वोट नहीं डालना जानता उसको वीवीपैट व ईवीएम के वोट डालने की प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि लोकतंत्र के इस महापर्व में सभी को वोट डालने का अधिकार प्राप्त है, जिसका हर व्यक्ति को प्रयोग करना ही चाहिए। मोबाइल वैन हमारी जो डेमोन्स्ट्रेशन ईवीएम वीवीपैट के लिए है, तो हमारी जैसे इस जिले में 5 हमारी विधानसभा क्षेत्र है, तो 5 विधानसभा क्षेत्र में हमने डिटेल प्लान बनाया है कि ये कैसे कैसे ये कौन कौन से विलेज में जाएंगे। तो हमारा ये उद्देश्य है कि भाई जैसे नीलोखेड़ी में 228 बूथ हैं, तो 228 में से जितनी लोकेशंस हैं वहाँ पर उन लोकेशंस पर जाके लोगों को जागरूक करें। हमारी तरफ से मुनादी है कि वहाँ पर येलो से पहले इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि ये वाले वैन इस तारीख को इतने बजे इस वाले बूथ पर पहुँचेगी, ताकि वहाँ पर लोगों की इकट्ठे हो जाए। और जो हमने मॉडल बूथ पर जो प्रक्रिया है लोगों को बताई है, अभी आज जो यंग वोटर्स को बताई है, वैसे वो चीज़ आम लोगों को बताएंगे, क्योंकि पिछली बार भी जैसे लोकसभा चुनाव थे तो काफ़ी अप्रिहेंशन थी वोटिंग मशीन को लेकर ईवीएम को, कि काफ़ी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज कह रहे थे कि ये हैकेबल है, पर वी एज अ पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और ये एश्योर कराना चाहते हैं कि जो हमारी पोलिंग होती है वो बिल्कुल फ्री एंड फेयर होती है और इसमें कोई भी संशय वाली बात नहीं। कब तक जागरूकता करेंगे, कितने ये हमारा 19 तक हमारा 23 दिन का बिल्कुल डिटेल प्लान है। हर एक आरओ जो हमारे रिटर्निंग अधिकारी है, जिले में 5 रिटर्निंग अधिकारी है, सभी ने 23 दिन का प्लान बनाया है, वो आज से शुरू हो ये गांव में जाएंगे शहर गांव जो भी विधानसभा क्षेत्र है, अगर वो शहर का शहरी क्षेत्र है या फिर रूरल क्षेत्र है, दोनों एरियाज को कवर करेंगे। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।